रही है बैठने की, वज्र आसन, तो वापस दंड आसन में आइए और अपने पैर को पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए बैठ जाइए। दोनों पैरों को पीछे करके बैठिए, वज्र आसन। तुम्हारा वीडियो। दोनों हाथों को अपने इतने लोग बना रहे कोई के ऊपर सीधा रखेंगे, अच्छा वीडियो सामने पैर के पंजे पीछे दबे रहेंगे। ये लोग तो बना रहे हैं तुमने क्या किया तो क्या नहीं, नहीं तो आप क्या है ना कहना मैंने वीडियो बनाया था वो क्या अरमान जो भोजन आप नॉर्मली भोजन करने के बाद आराम से पेट में लेते हैं तो 3 से 3.5-4 घंटे ले लेता है। अगर आपने भोजन के साथ पानी पिया तो, अगर आपने भोजन के साथ पानी नहीं पिया है तो वो भोजन आपका 3 घंटे में डाइजेस्ट होता है। लेकिन अगर भोजन के तुरंत बाद आप वज्रासन में बैठते हैं तो वही भोजन आपका 1.5 से 2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है और वज्र आसन से आपकी थाइस, आपकी सभी लचीलापन भी बना रहता है। बैकबोन को हमेशा थोड़ा सा सीधा करके बैठने की स्थिति रखनी। उष्ट्र अर्ध उष्ट्र आसन, अर्ध उष्ट्र आसन में आप पहले स्थिति देख लीजिएगा। नी पे आप खड़े होंगे, और अब आपकी उंगलियों की पहले देख लीजिएगा क्योंकि ये बैकबोन पे आधारित होते हैं आसन, तो पूरे इंस्ट्रक्शंस के साथ करें बेहतर है। अब आपकी जो फिंगर्स की पोजीशन होगी वो कमर पे आ जाएगी और अंगूठा आगे की तरफ हो जाएगा, पूरा सपोर्ट देगा। अर्ध उष्ट्र आसन, उष्ट्र ऊंट की स्थिति, हल्का सा बैंड करेंगे। अपनी पहले डेमो देख लीजिए, इसके बाद ही आप करेंगे वापस विश्राम। चलिए अब अपने घुटनों पे खड़े हो जाइए, अपनी उंगलियों को पीछे कमर पे सपोर्ट देते हुए और अपनी क्षमता के अनुसार ही बैक बेंड करेंगे और वापस एक बार और अर्ध उष्ट्र आसन। और वापस बैठ जाएंगे, इसी स्थिति में रहेंगे, वज्र आसन में ही लगेंगे। वज्र आसन में बैठना है प्लीज भैया। हाँ ऐसे दोनों हाथों को सीधा रखते हुए अब उष्ट्रासन करना है। जो लोग कर सकते हैं सिर्फ वही करें, जो नहीं कर सकते हैं इसको कोई जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये प्रोटोकॉल में है तो हमें बताना भी है। ये भी आपके बैकबोन को बहुत फायदा करता है, बहुत लचीला बनाता है। पोस्चर चेंज करिए, पहले आप डेमो देखिए कि कैसे करना है। नी पे खड़े होना है और पहले दाहिने हाथ को दाहिने पैर पे और बाएं हाथ को बाएं पैर पे और सर को अंदर की तरफ करते हुए, जो लोग कर सकते हैं सिर्फ वही इस अभ्यास को करने की कोशिश करें। सर को अंदर की तरफ करना है जिससे आपका बैलेंस बना रहे और वापस वज्र आसन में ही करेंगे शशक आसन। दोनों पैर घुटनों को आपस में मिला के रखेंगे, शशक आसन। आसन का नाम ही है शशक, यानी कि कौन सी स्थिति, खरगोश की स्थिति। जैसे खरगोश हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा उछाले मारता है, तो सुबह उठकर सबसे पहले अपने बेड पर इस आसन को जरूर कर लेना चाहिए। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाइए और श्वास छोड़ते हुए पूरा आगे की तरफ, अपनी अपर बॉडी को आगे की तरफ स्ट्रेच करिए, स्ट्रेच करिए, खिंचाव करिए पूरा। और वापस श्वास भरते हुए एक बार और श्वास छोड़ते हुए एक बार और आगे की तरफ, पीछे बैठना है पूरा आपको। और वापस हाथों को नीचे करते, इस स्थिति में एक आसन और रह गया है जो कि शुगर के लिए बहुत अच्छा होता है। मंडूक आसन की कई स्थितियां हैं लेकिन एक आसन है उत्तान मंडूक आसन।
इसी स्थिति में बैठते हुए अपने आगे से घुटनों को खोल देंगे, पंजे पीछे मिले रहेंगे, घुटने आपस से खोल देंगे, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे और क्रॉस करते हुए कंधों पे रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए क्रॉस करके कंधे पे रखेंगे और वापस श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर फिर से ले जाइए, श्वास छोड़ते हुए एक बार और एंड वापस दंड आसन, दंड आसन दोनों पैरों को सीधा रखकर बैठने की स्थिति को दंड आसन कहते हैं। वक्र आसन, वक्र आपने देखा होगा एक पक्षी है बगुला, आपने देखा है वो जब शिकार करता है तो एक पैर पे खड़ा हो जाता है पानी में और अपने शिकार मछली को, मछली जान नहीं पाती, उसी की स्थिति में वक्र आसन। तो सभी लोग अपने दाहिने पैर को घुटने से फोल्ड करेंगे इस तरीके से और अपने बाएं हाथ को खड़ा करेंगे, दूसरा पैर सीधा, दूसरा पैर सीधा और अब अपने घुटने से क्रॉस करेंगे, अपने पैर के पंजे को छुएंगे और जो हाथ आपका पीछे है आपकी दृष्टि पीछे रहे, और वापस बहुत सरल आसन इस प्रोटोकॉल में बनाए गए हैं। अब ये बाएं पैर को फोल्ड करेंगे एक बार और दाहिने हाथ को ऊपर करते हुए अपने घुटने से क्रॉस करेंगे और आपकी दृष्टि बाएं हाथ की तरफ पीछे,